एवरीवन नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है भाइयों के, होप आप सब लोग ठीक होंगे, हम भी खैरियत से हैं। हाँ मैं मानता हूँ मैं बहुत दिन बाद व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ वजह है ना, बहुत ज़्यादा बिजी था इन दिनों में, इस वजह से नहीं मैं व्लॉग बना सका। फिर आपको पता ईद थी, ईद में भी ड्यूटीज थी, जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी कोशिश करते हैं दोबारा रूटीन में आने की। और परसों एक हादसा हो गया राकिब के साथ, बस घर से जा रहा था ड्यूटी के लिए, तो रास्ते में ही उसके साथ स्नैचिंग हो गई, फ़ोन भी गया, वॉलेट भी गया, वॉच भी गई। तो बस अभी राकिब के पास जाते हैं, राकिब ड्यूटी पे है, तो अभी राकिब के पास जाते हैं, उससे मिलते हैं और पूरी स्टोरी जो है आपसे शेयर करते हैं। पीछे आपको बहुत ज़्यादा पंखे का शोर आ रहा होगा, आपको पता गर्मियों के दिन है, अभी तो पंखा बंद करके तो नहीं बैठा जाएगा ना, इसलिए पंखा ऑन है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, बर्दाश्त कर लेना इस साउंड को। एडिटिंग में कोशिश करूंगा कि ये साउंड थोड़ा सा कम हो जाए। चलो भाई, हम लोग पहुँच गए लकी वन, हम लोग उसके पास राकिब के पास, अभी उससे अफसोस करते हैं उसके मोबाइल फ़ोन का। भाई दोस्त का मोबाइल चिंता ही हो गया, बेचारा गरीबों वाला मुँह बना के बैठा हुआ, चिंता था चिता चिता हो गया। तो ये तो चलने वाली सीढ़ी है भाई, यार हमारे साथ एक और भी आया, सी बी सी आया हुआ है यार। सी बी सी का फुल फॉर्म हम बता नहीं सकते हैं आपको, वरना ज़रूर आपसे शेयर करते हैं। नहीं नहीं अब पकड़ के रखो, तुम्हें पकड़ने का शौक था, अब तुम पकड़ो। मेरे को जानता नहीं है ये। तो भाई हम लोग आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर, हमें जाना है सेकंड फ्लोर पर, क्योंकि फूड कोर्ट वहाँ पर है, तो हमारा भाई कबाब जी इसका ऑनर है भाई। ऑनर है, वाह वाह वाह। देख रहे डिफरेंट डिफरेंट मखलूकात भी आई हुई, अभी आवाज़ें सुनाई देंगी आपको सबकी, और आप लोग आज इस चीज़ का फ़ायदा देखेंगे, इससे हम अपने शूज साफ कर सकते हैं। अच्छा भाई लोग चेक करें नीचे से बिल्कुल व्यू, ये लकी वन है हमारा, कराची की फेमस मॉल है हमारे, और यहाँ पर जहाँ से बहुत खूब नज़ारा आता है, यहाँ पर सारे एग्जीबिशन वगैरह भी होते रहते हैं और लोग खूब इंजॉय करते हैं। राकिब उसको नहीं पता कि हम लोग आए हुए, अभी देखते हैं उसका रिएक्शन। फूड अथॉरिटी की तरफ से आए हैं भाई, भाई आप कुछ कह रहे थे? कह रहा हूँ हम लोग फूड अथॉरिटी की तरफ से आए हैं। कहाँ से आए? और फूड अथॉरिटी कहाँ से आए? फूड अथॉरिटी। कैसा लगा मेरा मजाक? ये देख, अस्सलाम वालेकुम भाई जान, आज भी मेरा ख्याल हो कि तपिश जिंदा है। हाँ बिल्कुल सही हुआ ना। हाँ भाई राम यार, भाई नीचे से आ रहे ठीक। अभी तो भाई हम लोग टेबल ढूंढ रहे हैं, टेबल नहीं हमें कोई मिल रहा, तो फाइनली ये है कि सर्चिंग चल रही है, होपफुली बहुत जल्दी मिल जाएगा। थोड़ा ऊंचा बोल, रश बहुत ज़्यादा है यहाँ। हाँ तो चीख लेते हैं, गले में स्पीकर लगा लेते हैं। मैं कह रहा हूँ माइक ले आते हैं। जॉब आई है, लेडीज सूट पहन के ना डमी की जगह पे बैठना है। शुक्र आप डमी की जगह भी कह रहे हो, कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था कि उसको डमी की जगह पे बिठाना है, फिर बाद में उसके रिश्ते ढूंढने हैं। शादी.com लगा देना, फिर जो कोई आंटी पसंद आ ही जाएगी इसके लिए, फिर इसका ब्याह कराएंगे। यार तू हंस नहीं रहा है यार, यार नहीं बात कर रहा है यार, इतनी वो बात ही नहीं है। बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। हम लोग का खाना तो आ गया और राकिब भी आ गया, अभी ज़रा खा के तो फिर राकिब से स्टोरी पूछते हैं, फिर अफसोस भी करते हैं। हमारा ख़त्म, अभी भाई के पास आए हैं भाई से अफसोस करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे शहर में दहशतगर्दी कितनी बढ़ गई है और छीना छपटी बहुत ज़्यादा है। अभी भाई के साथ दो दिन पहले हादसा हुआ है, घर से निकले ड्यूटी पर आने के लिए और मेन रोड पर दिन के वक्त, ये भी नहीं कि रात के वक्त, दिन के वक्त स्नैचर्स आए और वो फ़ोन वॉलेट पैसे घड़ी सारी चीज़ें ले गए। भाई अब बताओ यार राकिब कि किस तरह से हुआ था? बस यार मैं असम शहर से गुजर रहा था, तो पांच पठान आए थे, तीन उतर के मेरे पैदल आ रहे थे मेरे पीछे, और दो बाइकों पे थे, आते सारी उन्होंने कहा मोबाइल निकाल दे, मोबाइल दिया, कह रहे हैं घड़ी निकाल दे, घड़ी दे। मैंने बोला मैं क्या यार घड़ी रहने दो, गिफ्ट है मेरी ना, कह रहे हैं निकाल दे वरना तुझे मार दूंगा इधर ही गोली ना।
फिर मैंने घड़ी भी उतार के दे दी। उसके बाद पैसे थे मेरे पास 2500 पड़े थे, ऊपर कुछ खुले पैसे पड़े हुए थे। मैं कह यार ये किराया मेरा किराया छोड़ दो। फिर उन्होंने मुझे 50 रुपये दिए हैं और कह रहे हैं बाकी इधर दे दो, 50 रुपये दिए हैं बाकी इन्होंने ले लिए मेरे से। बस उसके बाद कहते हैं सीधा चुप करके चले जाओ वरना ठोक देंगे बस। और ये दिन के वक्त था, रश था उधर बिल्कुल, लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं एल्विस भाई, लोग देख रहे हैं, बस लोग कुछ कह नहीं रहे, बस लोग देख के गुजर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हमारे शहर में जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है वहाँ पे ये दिन दहाड़े इस तरह के हादसा हो रहे हैं। एक बंदा कितनी मेहनत करके कितने सेक्रीफाइसेस करके अपने लिए फ़ोन लेता है, वॉच लेता है, और जो पैसे हैं वो किसी यूज़ के लिए, किसी उसकी किसी ज़रूरत के लिए होते हैं ना, ऐसे फालतू तो नहीं होते। और ये आते हैं और 2 मिनट नहीं लगाते लेकिन निकल जाते हैं, और अगर नहीं दो तो ठोक देते हैं। और फिर अगर आवाम जो है वो प्रोटेस्ट करे, इनके अगेंस्ट जो है कोई एक्शन ले, तो उस पर भी हुकूमत कहती है जी कि आप अपना वेपन नहीं रख सकते हो, आप इनको डकैतों को जो है वो फायर मार रहे हो, उनको ज़ख्मी कर रहे हो। तो जब पुलिस हमारी यहाँ की काम नहीं करेगी, यहाँ के हमारे गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, तो फिर तो आम शहरी तो ये करेगा ही, आम शहरी को ज़रूरत ही ना पड़े ये सब करने की अगर हमारी गवर्नमेंट जो है इनके खिलाफ़ एक्शन ले, प्रॉपर एक्शन ले। लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं ना इस तरह से। और गवर्नमेंट ने तो ये भी दफ़ा भी लगा दी है कि अगर कोई अपने पास लीगल वेपन भी अपना रखता है तो वो भी जो है अरेस्ट हो सकता है। तो फिर हम आम शहरी क्या करें, हम अपने फ़ोन वॉलेट बस लें, लेके बाहर जाएं और इन लोग को दे दें, गवर्नमेंट ये चाहती है हमसे। खैर कुछ भी नहीं कह सकते, ना हमारे शहर के कभी हालात बदलेंगे, ना यहाँ के पॉलिटिशियंस बदलेंगे, ना यहाँ की गवर्नमेंट सुधरेगी। खैर तो इसी तरह अपनी वीडियो को एंड करते हैं हम, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपने अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बी हैप्पी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।